बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी आप सबकी दुआओं से जो हैं वो बिल्कुल खैरियत से हूँ। वीवर्स, तो वीवर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज जो है 14 अगस्त को जो है हम जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। और ये व्यूवर्स, ये जो परफॉर्मेंस है ये APS रायलमगीर के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है। और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में जो है वो हमारी कंट्री पाकिस्तान को जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और डिफरेंट गेटअप्स में बच्चे हैं, तो मैंने सोचा चले एक तो इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को आपसे शेयर करूँ और दूसरा आपसे कुछ बातें भी कर लूँ। तो व्यूवर्स, जगह जगह पर जो है वो नेशनल सॉन्ग्स सिंग करवाए गए, स्पीचेस करवाई गई। बट ये डे सेलिब्रेशन का डे तो है, लेकिन सिर्फ ये सेलिब्रेशन का डे नहीं है, बल्कि इट्स अ डे कि हम अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें कि जो है उसने हमें इतना प्यारा मुल्क अता किया। और इट्स अ डे टू मेक अ प्रॉमिस विद आवर कंट्री कि हम अपने मुल्क की हमेशा हिफाजत करेंगे और जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है हमसे जो हो सका हम वो करेंगे। तो जो है इसमें बच्चों को स्पेशली ये भी सिखाया करें कि जब हम पाकिस्तान का परचम उठाते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। बिकॉज़ बहुत से छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जोश और जज्बे में पाकिस्तानी फ्लैग उठा लेते हैं लेकिन फिर वो उसको ज़मीन पे भी गिराते हैं। तो बच्चों को प्लीज़ बताएं कि ये बहुत ही मुकद्दस फ्लैग है, सो हमें ये पाँव में गिराने के लिए या ज़मीन पर गिराने के लिए नहीं है। हमें अपने इस फ्लैग की रिस्पेक्ट भी करनी है। और जो है आज के दिन जो है जितने ये फंक्शंस अरेंज किए गए, तो आई विश के हर जगह पे जो है अपनी कंट्री पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआ भी करवाई गई होगी कि जिसमें दुआ मांगी गई होगी कि अल्लाह ताला जो है हमारे कंट्री पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और इसको ईवल आइज़ से बचाए। तो व्यूवर्स, ये देखें, अब ये दिन है सेलिब्रेशन का, प्रॉमिस करने का और दुआ करने का और अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो देखें बहुत से बच्चे इकट्ठे हुए हुए हैं और वो जो है जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो चले हम मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और जो ईवल आइज़ हैं उससे बचा कर रखे और हमेशा ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है ये दुनिया के नक्शे पे उभरा रहे। और जो कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली कंट्रीज़ हैं, हमारा जो मुल्क है वो उस सफ़ में शामिल हो जाए। और इस मुल्क में रहने वाले और इस मुल्क के जितने भी लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, अल्लाह पाक जो है सबको सलामत रखे और इस मुल्क से प्यार करने वालों को भी सलामत रखे। तब ना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह